हेलो एवरीवन, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं चने की दाल से एक रेसिपी बनाऊंगी। तो ये चने की दाल है, इसे मैंने भिगोई थी 3 आवर्स। देखिए अच्छे से भीग चुका है ये। तो अब इसे मैं बॉईल करूंगी 10-15 मिनट। तो अभी मैं बॉईल कर लेती हूँ, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो पूरे वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा बना है रेसिपी। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने चूल्हे में एक कढ़ाई बिठाई हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इस दाल को मैं यहाँ में बॉईल करूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट तक, और इसमें थोड़ी नमक डाल देती हूँ, और अब डालूंगी थोड़ी हल्दी पाउडर। तो इसे एक बार उबाल आने देती हूँ, उसका बाद इसे मैं ढक के पकाऊंगी 10 से 15 मिनट तक। तो उबाल का इंतजार करती हूँ। तो देखिए गाइस, इसका उबाल आ चुका है। अब मैं इसका ये जो ऊपर में इस तरीका का जो ये है, मैं इसे निकाल के फेंक देती हूँ। अब इसे ढक के बनाती हूँ 10 मिनट या 12 मिनट, इसे मैं पकने देती हूँ। अब देखिए, ये गेहूं का आटा है 2 कप। दाल जब तक उबलेंगे तब तक मैं ये आटा लगा लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी अजवाइन थोड़ी और नमक थोड़ी, घी थोड़ी डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले, और इसको मैं अच्छा से एक गर्म पानी से थोड़ी थोड़ी करके मैं इसे गूंथ लूंगी, अच्छे से एक डो बना लूंगी, सॉफ्ट डो। थोड़ी थोड़ी गर्म पानी डाल के इसे मैं लेती हूँ। इसे मैंने गूंथ लिया है अच्छे से, एक सॉफ्ट डो बना लिया है। देखिए गूंथ के, अब इसे मैं कुछ टाइम रेस्ट में रख दूंगी, 10 से 15 मिनट तक रेस्ट में छोड़ दूंगी इसे। अब चले दाल को चेक करती हूँ। चले दाल को चेक करती हूँ अभी। इसका मैं पानी सुखा लूंगी पूरा, तो मैं इसमें थोड़ी गुड़ ऐड कर रही हूँ। इसका पानी में पूरा सुखा लूंगी, उसका बाद मैं दिखाती हूँ आपको। फिर देखिए पानी सूख चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसे निकाल लूंगी। देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था इसे, अब इसे मैं पीसूंगी मिक्सी जार में डाल के, बिना पानी डाले ही मैं इसे पीस लेती हूँ।
मिक्सी जार में मैंने डाल लिया है दाल को। अब देखिए अदरक का टुकड़ा है और ये लहसुन ली हूँ 6-7 कलियाँ। अब इसे मैं बिना पानी डाले पीस लेती हूँ पहले। देखिए पीस लिया है मैंने। मैंने निकाल लिया है। अब इसे मैं भून लेती हूँ। तो अब चले इसे मैं 4-5 मिनट भून लेती हूँ अच्छे से, और कुछ थोड़ी मसाला ऐड करूंगी इसमें। ये देसी घी 1 चम्मच डाली हूँ इसमें, और ये डाल रही हूँ जीरा, गोटा जीरा थोड़ी, हींग और ये करी पत्ता। अब इसमें ये पिसी हुई चना दाल डालूंगी। अब इसमें कुछ थोड़ी में मसाला ऐड करूंगी। मसाले में ली हूँ थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, भुनी हुई जीरा पाउडर, ये आमचूर पाउडर है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए ये भून के हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। निकाल लिया है मैंने। अब इसमें मैं थोड़ी काली नमक डाल रही हूँ। सादा नमक मैंने पहले बॉईल करते समय में डाली थी, इसीलिए इसमें सादा नमक नहीं डाली मैंने, काली नमक डाली हूँ अभी। इसे ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगी। अब इसका मैं पेड़ा काटूंगी, 4 पेड़ा काट लूंगी इसका। देखिए मैंने 4 पेड़ा काट लिया है। और अब इसे मैं हाथ से फैला लूंगी, अच्छे से फैला लूंगी थोड़ी। देखिए मैंने हाथ से फैला रही हूँ इसे। तो अब इसमें मैं मसाले भरूंगी चने दाल के। देखिए इस तरीके से मैंने भर लिया है और हाथ से दबा दबा कर भर रही हूँ। और अब इसका मैं मुंह बंद कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए देखिए कितना बढ़िया से भर गया है इसमें। और एक भर के दिखाती हूँ आप लोग को मैं।
अब मैं सारे इसी तरीके से भर लूँगी चारों को और दोनों को भी। और देखिए मैंने भर लिया है अच्छे से, देखिए बढ़िया से भर लिया है। अब इसे मैं बेलूँगी। तो पहले सूखे आटा लगाई हूँ थोड़ी और हाथ से फैला रही हूँ पहले थोड़ी, उसका बाद इसे अब मैं बेलूँगी, हल्के हाथ से बेलूँगी। देखिए हल्के हाथ से बेलने से फटेगा नहीं। देखिए मैंने हल्के हाथ से बेल रही हूँ और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप लोग इसे चटनी या दही का साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है खाने में, स्वादिष्ट होता है। देखिए ये एक बेल लिया है मैंने, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, एकदम ठीक हिसाब से, मीडियम हिसाब से मैंने बेली हूँ और कहीं फटा भी नहीं है देखिए। और इसी तरीके से मैं पहले सारे चारों को बेल लूँगी, बेल के रखूँगी, उसका बाद इसे मैं बनाऊँगी। तो और एक मैं बेल रही हूँ और आप लोग वीडियो पूरे देखिएगा, पूरे देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे बना है, आधा आधा देखने के बाद आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और अगर चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी आगे आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे रेसिपी देखने मिलेगा। अगर फेसबुक पेज में भी कोई देख रहा है तो पेज को फॉलो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये भी बेल लिया है, मैं इसी तरीके से सारे बेल लूँगी, बेल के मैं पहले रखूँगी उसका बाद बनाऊँगी। और अब मैं सारे बेल लूँगी उसका बाद मैं बनाऊँगी। देखिए अब बनाने के लिए मैंने तावा बिठाई हूँ, तावा गर्म हो चुका है। अब मैं रोटी को डालती हूँ तावे में। अब इसे मैं एक मिनट पकने देती हूँ नीचे तरफ, उसका बाद इसे मैं पलटूँगी। देखिए अब मैं इसे पलट दूँगी। अब इसमें आप चाहो तो घी, बटर, ऑयल कुछ भी लगा सकते हो, जो आप लोग को पसंद है। मैं घी लगा रही हूँ, देसी घी, तो आप लोग को जो पसंद है वही लगाइएगा। तो अब मैं इसे बनाऊंगी घी लगा के, तो नीचे तरफ फिर एक मिनट पकने देती हूँ, उसका बाद इसे मैं फिर पलटूंगी। तो बहुत ही बढ़िया से ये फूल जाएगा, फूली फूली बनेगी ये रोटी, जो दाल भरा रोटी फूली फूली बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसे मैं पलट दूंगी। तो इस तरह भी मैं थोड़ी घी लगा देती हूँ। देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है रोटी, जो देखिए कितना बढ़िया से फूल गया है। देखिए कितना बढ़िया बना है कलर, देखिए इसका। देखिए दो तरफ ही ये सेक के हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं सारा रोटी बना लूँगी मैं। Thank you.
देखिए मैंने सारा इसी तरीके से बना लिया है। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा दाल पराठा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी आगे आगे अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग इसे दही या चटनी के साथ खा सकते हो। बाय बाय।